हमारे जो श्री महाराज जी हैं, हमारे जो सद्गुरु सरकार हैं, वो ऐसे प्रेम रस में डूबे हुए हैं। बोरी कहते हैं डूबना, अस रस मह मोहि सद्गुरु बोरी। हमारे सद्गुरु सरकार जगतगुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ऐसे प्रेम रस में डूबे हुए हैं कि जो उनका सत्संग कर लेता है, जो उनका प्रवचन सुन लेता है, उनके साथ बैठकर प्रैक्टिकल साधना करता है, तो धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष रस सबै लगत मोफी कोरी। हमारे धर्म ग्रंथों में चार पुरुषार्थ बताए गए। मनुष्य के चार प्रकार के लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें सर्वश्रेष्ठ है मोक्ष, जो ज्ञानियों को मिलता है। जो ज्ञानी निर्गुण निराकार ब्रह्म की अभेद भक्ति करते हैं और फिर निराकार ब्रह्म का जो ब्रह्मानंद मिलता है, उसके बाद वो शरीर छोड़ते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है, यानी आवागमन से छुट्टी मिल जाती है। मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति माने छुट्टी। छुट्टी किस चीज से? त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश इत्यादि जितनी भी माया की बीमारियां हैं और इन सब की जननी माया, इन सब से छुट्टी मिल जाती है। 84 लाख प्रकार के योनियों में जो हम भटक रहे हैं अनादिकाल से, इस सब से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन उन ज्ञानियों को प्रेम रस नहीं मिलता, यानी वो निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन हो गए। जैसे नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं, तो यद्यपि उनकी सत्ता रहती है, ऐसे ही उस पर्सनैलिटी की जो निराकार ब्रह्म में लीन हुई है, सत्ता रहती है, लेकिन फिर भी सत्ता रहते हुए भी नहीं रहती, यानी वो उसमें तद्रूप तल्लीन तन्मय हो जाता है। अलग से सत्ता का अनुभव उसको नहीं होता, होते हुए भी उस पर्सनैलिटी को ये अनुभव नहीं रहता कि मैं अलग से, मैंने द्वैत नहीं रहता। इसलिए वो ब्रह्मानंद का जो आनंद है उसका अनुभव नहीं कर पाता। ज्ञानी मरने से पहले ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, यद्यपि मरने के पहले भी जब ज्ञानी को ब्रह्मानंद मिलता है तो मन मर जाता है। पहले ज्ञानी का मन मर जाता है तब निराकार ब्रह्म का दर्शन होता है। तो जब मन ही नहीं है तो आनंद भोगे कौन? केवल आत्मा की पर्सनैलिटी रह जाती है, जीव, और मरने के बाद उस जीव का भी ब्रह्म में लय हो जाता है। यानी मुक्ति होना का अर्थ क्या हुआ? रसगुल्ला बनना। तो जो रसगुल्ला बन गया उसको रसगुल्ले का रस क्या मिलेगा? जो रसगुल्ला खाता है उसको रसगुल्ले का रस मिलता है, जो बन गया रसगुल्ला वो अपना रस कैसे चखेगा? इसीलिए हमारे श्री महाराज जी ने हमको ऐसा प्रेम तत्व, जो पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए अधिकांश ग्रंथों ने, लेकिन प्रेमी भक्तों ने बताया पंचम पुरुषार्थ प्रेम सोई महाधन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पंचम पुरुषार्थ कहे प्रेम सोई महाधन। तो वो हमारे श्री महाराज जी ने हमें बताया कि तुम प्रेम करो,
और ऐसा दिव्य प्रेम का रसास्वादन उन्होंने हमें कराया कि जो सगुण साकार भगवान का रस है महाविष्णु जी का, वो भी हमें फीका लगने लगा। मोक्ष की कौन कहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की कौन कहे, वो तो बहुत छोटी चीज है। कहलो कह वैकुंठ लोक हूं, रुचि नहीं टुक सपने हूं मोरी। ऐसा श्री राधा कृष्ण का प्रेम चखाया उन्होंने उनकी लीलाओं उनके गुणों के द्वारा कि हमें महाविष्णु जी का जो वैकुंठ लोक है, महाविष्णु जी का जो रस है, उसमें भी टुक बने थोड़ी भी मेरी रुचि नहीं, मुझे उसमें भी कोई आकर्षण नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी का रस महाविष्णु जी से अधिक है श्री कृष्ण में, इसलिए मुझे महाविष्णु जी के प्रति भी आकर्षण या उनके लोक वैकुंठ लोक के प्रति भी रुचि नहीं है। तो फिर क्या अच्छा लगता है तुमको? इक भावत चंचल नंदन इक वृषभानु लली भोरी। बस हमें तो अपने श्याम सुंदर जो चंचल हैं, चंचलता करते हैं भक्तों को रस देने के लिए, छेड़ा छाड़ी करते हैं विशेष रूप से माधुर्य भाव के भक्तों के साथ जो वो रस देते हैं चंचलता से युक्त होकर, और उधर दूसरी ओर हमारी भोरी भारी श्री राधा रानी जो वृषभानु की सुपुत्री हैं, बस हमें तो यही दोनों अच्छे लगते हैं। गिरिजा अजा जलधि जा दुर्लभ पियत रास रस ब्रज खोरी। हमारे श्री महाराज जी ने हमको बताया कि देखो, अगर तुम महारास रस प्राप्त करना चाहते हो, वैसे तो भगवान के लिए कहा गया रसो वै सह, वो भगवान रस स्वरूप हैं, लेकिन रसानाम समूह इति रासः, जहां रसों का समूह हो जाए, अनंत रस जहां इकट्ठा हो जाए, उसे कहते हैं रास। तो ये महारास रस किसको प्राप्त होता है? जो श्री राधा कृष्ण से यानी श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्रेम करता है, यानी श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर उनसे जो जीवात्माएं प्रेम करती हैं, प्लस समर्थारति से युक्त होकर यानी निष्काम प्रेम। माधुर्य भाव में भी तीन प्रकार का प्रेम होता है, साधारणी रति यानी सकाम प्रेम, समंजसा रति यानी सकाम निष्काम मिक्सचर प्रेम, और समर्थारति यानी पूर्ण निष्काम प्रेम जो करते हैं। ऐसी जीवात्माएं महारास रस प्राप्त करती हैं। तो हमारे श्री महाराज जी ने हमको माधुर्य भाव का, समर्थारति का और रागानुगा भक्ति का प्रेम सिखाया। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है वैधी भक्ति, दूसरी होती है रागानुगा भक्ति। वैधी भक्ति माने जिसमें वेद शास्त्र के कुछ नियम का पालन करते हुए भक्ति की जाती है, जैसे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भक्ति करो, नहा धोकर भक्ति करो, बिना कुछ खाए भक्ति करो, सीधे सावधान बैठकर भक्ति करो, पूरब की ओर मुंह करके भक्ति करो। और हमारे श्री महाराज जी ने जो भक्ति सिखाई है वो है रागानुगा भक्ति। वो भक्ति कलियुग के जीव आसानी से कर सकते हैं, अर्थात किसी भी समय भक्ति करो, क्योंकि जब निरंतर करनी है। वेद से लेकर रामायण तक
हर ग्रंथ में लिखा है यो माम स्मरति नित्यशः, जो निरंतर मेरी भक्ति करता है। गीता में भगवान ने कहा हर ग्रंथ में बारंबार नित्य शब्द का प्रयोग किया गया, सततम कीर्तयंतो माम एवं सतत युक्ता ये। गीता के 12वें अध्याय का पहला श्लोक, जो निरंतर सतत यानी सदा हर क्षण 24 घंटे मेरा स्मरण करते हैं। तो जब निरंतर भक्ति करनी है तो ये प्रश्न ही समाप्त हो गया कि सवेरे करें कि दोपहर को करें कि नहा के करें कि बिना खाए करें कि खा के करें लेट के करें कि बैठ के करें। निरंतर जब लैट्रिन में आप बैठे हैं वहां भी स्मरण करिए। भक्ति का मतलब क्या? प्रेम, और प्रेम हर समय किया जा सकता है। हम संसार में किसी से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, तो क्या नहा के करते हैं, बार बार नहाते हैं? ना ना, उसकी याद आती है। बस हमारा बेटा जो विदेश गया हुआ है 3 वर्षों से नहीं आया, तो माता पिता उसको याद करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। ऐसे ही वो श्याम सुंदर जो हमें अभी तक नहीं मिले, अनंत जन्म बीत गए, वो हमें कब मिलेंगे, वो हमें कब मिलेंगे, उनका दर्शन उनका स्पर्श हमें कब प्राप्त होगा, ये चिंतन ये स्मरण ये व्याकुलता ये दर्द, इसी का नाम भक्ति। तुलसीदास जी ने कहा कि ही फाटहु फूटहु नयन जरहु सुतन के ही काम द्रवही श्रवही पुल कही नहीं तुलसी सुमिरत राम। जो श्री राम का स्मरण करते हुए रोता नहीं, जो आंखें आंसू नहीं बहाती उनके प्रेम में, वो आंखें फूट जाए बेकार है, वो हृदय फट जाए वज्र के समान कठोर है, जो श्री राम का स्मरण करते हुए पिघलता नहीं, वो शरीर जल जाए निरर्थक है, जो श्री राम का नाम लेते हुए पुलकित रोमांचित नहीं होता। तो हमारे श्री महाराज जी ने कलयुग के जीवों के हिसाब से, और वैसे भी वैधि भक्ति से रागानुगा भक्ति श्रेष्ठ है, और कलयुग के जीव उसी भक्ति को आसानी से कर सकते हैं, तो हमें बताया कि तुम रागानुगा भक्ति करो। रागानुगा भक्ति कौन लोग करते हैं? जो स्वाभाविक रूप से श्री राधा कृष्ण और अपने गुरु से प्रेम करते हैं, किसी भय से नहीं। वैधि भक्ति जो की जाती है वो भय के कारण की जाती है, डर के कारण। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान हमें नरक में भेज देंगे, नरक के भय से हमने भक्ति की, वो वैधि भक्ति। बस, और जो वो ही हमारे हैं और हम उनके हैं, हम उनके हैं ये भी नहीं सोचते। अच्छे भक्त वो ही हमारे हैं, हम उनके हैं कि नहीं इसकी चिंता हमको नहीं। जब वो ही हमारे हैं तो नेचुरल है वो हमको अपना मान ही लेंगे, उसकी हम चिंता या चर्चा क्यों करें। तो रागानुगा भक्ति वालों का नेचुरल प्यार होता है, किया नहीं जाता जबरदस्ती प्रेम बढ़ाओ, नेचुरल उनको श्री राधा कृष्ण और अपने गुरुदेव से प्यार होता है। जिसमें मैं समझती हूं, अगर झूठी प्रशंसा मैं नहीं कर रही हूं, तो हमारे जगत सिंहपुर के सभी सत्संगियों का श्री महाराज जी और श्री राधा कृष्ण से अटूट प्यार है, नेचुरल प्रेम है। क्यों? क्योंकि मैं थक जाती हूं ये सुन के कि आज भी कीर्तन है और आज भी उन्होंने सवेरे से शाम तक रात तक रखा है, अब की बार 10 दिन का राधा गोविंद गीत फिर रखा है, फिर अब उन्होंने श्यामा श्याम गीत रखा है, अब आज सवेरे से रात तक कीर्तन है। उन्हें बहाना चाहिए, यानी आप लोगों को एक अवसर चाहिए कि कैसे हम बैठें और अपने गुरुदेव का और अपने इष्ट का स्मरण करें। तो ये बहुत बड़ी बात है,
वरना तो लोग थक जाते हैं, अरे बस हो तो गया कीर्तन दो घंटा, अब क्या करना है, अरे संडे संडे करेंगे बस। लेकिन यहाँ के लोग अवसर ढूंढते रहते कि पंचांग देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है पंचांग देखते हैं कि भाई कोई त्योहार निकले तो हम कीर्तन का बहाना बनाए बैठे। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है और मेरे लिए भी गर्व की बात है, और मेरे से अधिक गर्व की बात है हमारे श्री महाराज जी के लिए। उन्हीं के परिश्रम का ये प्रभाव है, उन्हीं के परिश्रम का ये असर है कि आप लोग थकते नहीं हैं भगवान नाम संकीर्तन से। तो ये है रागानुगा भक्ति, नेचुरल प्यार होना। तो ये हमारे महाराज जी ने हमको सिखाया कि श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्रेम करो और समर्था रति से यानी निष्काम प्रेम करो तो क्या होगा। गिरिजा अजा जलधिजा दुर्लभ, जो महारास का रस पार्वती जी के लिए भी दुर्लभ है। पार्वती जी को तो फिर भी इस बार अवसर मिला है, शंकर जी पार्वती जी हमारे ब्रह्मांड वाले जो शंकर जी हैं उनको और पार्वती जी को कि महाराज में प्रवेश मिला, लेकिन बाकी ब्रह्मांडों के शंकर जी या ब्रह्मा जी या नारद जी या किसी ऋषि मुनि को नहीं मिला। यहां तक कि महालक्ष्मी जी तक को भी महाराज में प्रवेश नहीं मिला, जो भगवान की अर्धांगिनी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया नायम श्रियो गौनितांतरते प्रसाद स्वर्योषिता नलिन गंधरुचा कुतोन्या रासोत्सवेस्य भुज दंड गृहीत कंठ लब्धाशिषा यौदयाद् ब्रज सुंदरीणाम। ये महारास रस जो गोपियों को मिला, महालक्ष्मी जी तरसती रह गईं। हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की कि मुझे गोपियों की चरण धूल ही मिल जाए, नहीं मिली। आज भी महालक्ष्मी जी का मंदिर वृंदावन के बाहर बेल वन में बना हुआ है, उनको वृंदावन तक में प्रवेश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने समंजसा रति से श्री कृष्ण से प्यार किया, यानी अपने सुख का भी ध्यान रखा और श्री कृष्ण के सुख का भी ध्यान रखा। और ब्रज की गोपियों ने इन्होंने केवल श्याम सुंदर के सुख को ही अपना सुख माना। गोपियां कहती हैं कि घर तजो बन तजो नागर नगर तजो वंशीवट तट तजो काहू पैनल जी हो देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो आज राज काज सब साज ऐसे सजी हो बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोको और बावरी कहे पे मैं काहू ना बरजी हो कहिया और सुनैया तजो बाप और मैया तजो भैया तजो दैया पे कन्हैया नाही तजी हो। ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन श्याम सुंदर का सुख छोड़ने को तैयार नहीं। निजांग मपिया गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये गोपियां निजांगमपि या गोप्यो, ये गोपियां अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती। ममेति ममेति बने भगवान कहते मेरा मानती हैं, अपने शरीर को मानती हैं। ये श्याम सुंदर की धरोहर है, ये इस शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। जब चाहे श्याम सुंदर प्यार करें, जब चाहे ना करें,
जब चाहें वो आए, जब चाहें हमें विरह दे। ये शरीर केवल उनकी सेवा के लिए है। इसीलिए गिरिजा अजा, अजा माने ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की पत्नी, जलधिजा यानी विष्णु जी की पत्नी रमा, जो समुद्र से उत्पन्न हुई जलधिजा, दुर्लभ उनको भी वो रस नहीं मिला। पियत रास रस ब्रज खोरी, अपने श्री महाराज जी जगत गुरु उत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की कृपा से मैं, वो जीवात्मा कहती है, मैं पियत रास रस, उस रास रस को पीती हूँ ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में मैं महारास रस प्राप्त करती हूँ। कह कृपालु अस सद्गुरु ऋण ते, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि ऐसे सद्गुरु के ऋण से, जो उन्होंने इतनी ऊंची चीज हमें बताई, कहा जाता है कि माधुर्य भाव के और समर्था रसी रस के, समर्था रति से प्रेम करने वाले रसिक संत हजारों वर्षों में कभी कोई आते हैं। सख्य भाव के, दास्य भाव के, वात्सल्य भाव के रसिक संत आते हैं, संसार में रहते हैं और बनते भी हैं, नए नए यानी महापुरुष बनते हैं, नए नए जीव। लेकिन माधुर्य भाव का, समर्था रति का रसिक संत कभी कभी आता है। हमें यह सौभाग्य मिला कि हमें माधुर्य भाव के, समर्था रति के रसिक संत गुरु के रूप में हमारे श्री महाराज जी जगत गुरु उत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज मिले। तो ये चूंकि उन्होंने ही ये पद लिखा है, तो वो कहते हैं कि कह कृपालु, कृपालु दास भक्त कहते हैं कि अस सद्गुरु ऋण ते, ऐसे सद्गुरु के ऋण से, उऋण न कोटि कल्प कोरी, करोड़ों जन्म में भी हम उनके इस देन से, इस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम अपने गुरुदेव को ही याद करेंगे। सब लोग श्री महाराज जी का ध्यान करते हुए इस पद को गाएंगे। रस माह मोहि सद गुरु बोरियास, रस माह मोहि सद गुरु बोरियास।